पूरा फोन करते हुए दो हफ्ते में पूरा जोर लगा दिया। जो मेरी सोच है उसके अनुसार तीन चीजों से जंग जीती जा सकती है, एक जोश, पैसा और दिमाग। दो चीज हम ला सकते हैं, पैसा और दिमाग, लेकिन अभी हमारे में जोर नहीं रहा। बहुत हमने जोर लगा लिया, लेकिन ये जो लोग आए हैं, मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि आज आप लोग आए हो, हम आपको बार बार नहीं मिल सकते, ना आप हमको मिल सकते हो, लेकिन आज हमारी झोली में कुछ ना कुछ डालिए। आप हमारे दर नहीं हो, हिमाचल से आयो, राजस्थान से आयो, पंजाब से आयो, मेरे भाई कश्मीर से आए हैं, बहुत दूर है कश्मीर, अलजोरी से आए हैं, बहुत दूर है, 2700 रुपया मिलता है, बहुत मुश्किल है आना, लेकिन बार बार यही लोग आते हैं, ये कितने दिन आएंगे? तो मैं आपसे अपने जो मैटर है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर, हाई कोर्ट का जो मैटर है प्रॉपर चैनल में मैं देख रहा हूँ, कब से हमारा 200 केस लगा हुआ है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जुडिशरी है, संविधान के दायरे में देखा जाए तो जो जुडिशरी है संविधान की सबसे बड़ी प्रणाली है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाब नहीं है, हिमाचल नहीं है, राजस्थान नहीं है, इधर धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जज भी इनके हैं, जुडिशरी भी इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी है। सर, जो हमारा मैटर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, आप हमसे बेहतर जानते हो, हाई कोर्ट हमारे हक में है, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, होम सेक्रेटरी के ऊपर कंडेमते चल रही है, तो मेरे भाई खासकर नहीं जानते होंगे ये क्या करते हैं। हमको ये भी बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम, 2 वीक 3 वीक, ऐसे सर इतना टाइम भी बीत गया कि 5 साल हो गया हमको कोर्ट में। और सर, जो हमारा इधर का प्रोसेस है, जज ही नहीं है इधर, और कभी केस लग भी जाता है तो नंबर ही नहीं आता है, और ना जे डीपी में जाते हैं, अगर डीपी में अपील हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये बात रखने का मेरा आपके सामने यही मकसद है सर, कि हम थक चुके हैं। जैसे आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई है, हम आपके चरण स्पष्ट करके आपके आगे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेरी बहनें आई हुई हैं, मेरे भाई आए हुए हैं, हम आपके साथ सामना पिछाना चलने के लिए तैयार हैं, उस गाइडलाइन के ऊपर हमको ले चलिए। जो हमारा मैटर है, जुडिशरी हमको बोलती है कि जब तक इधर अपील नहीं होगी, जब हाई कोर्ट में अपील नहीं होगी तो हम नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपका जो डीओ लेटर है इसी हिसाब से अगर हम लोग जा सकते हैं उसके दायरे में आके, तो जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, इनको उस रास्ते के ऊपर ले चलिए, या अपने बच्चों का पालन पोषण तो करें, इनका तो कुछ बने। जो घर में लोग बैठे हैं उनको फिर पता चलेगा कि ये इन्होंने क्या किया है। बाकी हमने जितना जोर लगाना था सर हमने बहुत लगा लिया, ये लोग इकट्ठे होने वाले नहीं। जैसे सर ने बोला कि कुछ इनके चिमचे बने हुए दफ्तरों